स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और ये है हिंदी पेडागोजी का सेकंड रिवीजन वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो टॉपिक वो है टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। ये टॉपिक के अंदर हम रिवीजन के अंदर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो है 2011 से लेके 2016 तक के क्वेश्चन पेपर जो हम इस एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये रिवीजन वीडियो है, इसके पहले एक और वीडियो हिंदी पेडागोजी के लिए डाल चुकी हूँ मैं, जिसका टॉपिक था रेमेडियल टीचिंग। अगर आपने नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट के कंटेंट्स के थ्रू कोई वीडियो चाहिए तो हमने सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारा हमारे चैनल पे। आप एक बार हिंदी पेडागोजी और कंटेंट के प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एक बार उस सारे वीडियोस को देख लीजिए, जो आपके सारे टॉपिक्स जो है संज्ञा समास कारक वर्ण और सभी उस पे अवेलेबल है। और आप एक बार देख लीजिए उसे, वो इतना इनफ है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। और ये है पेडागोजी सेक्शन हम कर रहे हैं, ये आज का टॉपिक जो है हमारा ये इस वीडियो का जो है टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। अब एक बार आप ये जान लीजिए कि शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। तो ऐसे क्या होता है जब टीचिंग के दौरान जो जिस तरह के पाठ्य सामग्री को इसका इस्तेमाल किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, जो अपने टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए या फिर प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उन सारे चीज़ों को कहा जाता है टीचिंग एड्स। जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने उसको समझाने के लिए किसी चित्र का प्रयोग किया या कोई चार्ट का इस्तेमाल किया या किसी भी चीज़ को आपने जितना अधिक एक्सप्लेन करने के लिए जिस चीज़ों का यूज़ किया है वो सारे टीचिंग एड्स कहे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये पहला सवाल है सीटेट जून 2011 का और ये फिर से रिपीट हुआ था सितंबर 2015 में। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास, भाषा संरचना का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या फिर सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन हैं उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है होगा कि आपको देखना है। और आप ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के, आप इसको करते जाइए और जितने आपके करेक्ट होते हैं ये आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी आपकी जो तैयारी चल रही है वो कितनी सही जा रही है। तो समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? ये सीटेट जून 2011 और सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हाई लेवल जो हायर लेवल पे जब आप हिंदी सीखते हैं तो इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती? अभ्यास पत्र की, प्रश्न पत्र की, संचार माध्यम की या फिर पाठ्य पुस्तक की? तो इसमें सबसे ज़्यादा जब सीखने सिखाने में प्रश्न पत्र की कोई भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, ये सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, या फिर भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, या फिर भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। तो भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं ये तो गलत है। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाना, कंठस्थ कराना फिर से वही रोट मेमोरी है, ये भी गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में से अधिक पाठों का समावेश हो, ये भी कुछ रिलेटेड नहीं है इससे कि भाषा सबसे सहज और प्रभावी कब, भाषा की प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य। तो सबसे राइट ऑप्शन इसमें ये है कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था सीटेट जुलाई 2013 में। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, परिचर्चा, घटना वर्णन, पाठों को याद करना या फिर गीत। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, तो कौन से सहायक हो सकते हैं? तो घटना वर्णन के अतिरिक्त, घटना वर्णन जो होता है ये टॉपिक, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक, घटना वर्णन छोड़ के आप परिचर्चा करते हैं या फिर पाठों को याद करना या फिर गीत, ये सारे
ये क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जो सीटेट जुलाई 2013 का है, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य बलपूर्वक पढ़ाना, अतिरिक्त कार्य देना या फिर वाचन अभ्यास गंभीर साहित्य पढ़ना। पूरक पाठ्य पुस्तक क्या होती है? पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो आप बुक पढ़ाते हैं वो क्या है? तो ये होगी जब आप एक्स्ट्रा बुक जो पढ़ा रहे हैं वो किस लिए पढ़ा रहे हैं? बलपूर्वक पढ़ा रहे हैं? नहीं, अतिरिक्त कार्य देना ये भी नहीं, वाचन अभ्यास, हाँ आप वाचन अभ्यास के लिए ये करा रहे हैं बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो जुलाई 2013 में पूछा गया था, भाषा की पाठ्यपुस्तक में से ऐसे पाठ चुने जाएं जो संक्षिप्त हो, प्रसिद्ध लेखकों के हो, बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बज सके या फिर अनिवार्यतः मूल्यों से ओतप्रोत हो। तो इसमें सबसे राइट ऑप्शन है जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ ही बन सके। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बच्चे हैं तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट है। उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार परोश विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सवाल है फरवरी 2014 का। संचार माध्यम, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, पुस्तकालय या फिर शब्दकोश। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार परोश विद्यालय के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है संचार माध्यम। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा FM की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण है। ये फरवरी 2014 का सीटेट का सवाल है। एक बच्चा जो अपनी कक्षा में हमेशा क्या करता है, सिनेमा और FM की बात करता है, जिसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है या फिर बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है? सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है या फिर सभी बच्चों को FM पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा। यहाँ पर सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चे सिनेमा और FM सुनते हैं और या देखते हैं तो उनका जो अनुभव होता है वो उनकी लाइफ का सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, ये सितंबर 2014 का सवाल है कि हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यपुस्तक, परीक्षाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं या फिर बच्चों की भाषाई क्षमता में विकास। सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं। आप जो लेसन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 27 ये सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना या फिर कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराना, कक्षा में बड़े आकार के वर्णमाला के चार्ट लगाना या फिर कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन इसका यही होगा कि कक्षा में जो टॉपिक चल रही है उस टॉपिक या विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रस्तुत करना। ये जो है सबसे ज़्यादा इसका मतलब देता है कि आप जब एक माहौल तैयार कर रहे हैं, बच्चे को प्रिंट समृद्ध वातावरण देने का मतलब क्या है कि आपकी दीवारों पर भी वो हो जो आपके पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये सवाल था सीटेट सितंबर 2014 का। नैतिक किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हो, किताबों के पृष्ठ कम हो या फिर किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हो। तो ये सबसे राइट ऑप्शन होगा कि किताबें कैसी हो, तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नज़र आता है, इसका संभावित कारण है। ये सीटेट सेप्टेम्बर 2014 का सवाल है। उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है, उसकी पाठ्यपुस्तक नीरस है, उसे पढ़ने के प्रति ललक है या फिर शिक्षक का शिक्षण नीरस है।
तो 29 उसमें पढ़ने की ललक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, भाषा नियमों की जानकारी मिलती है या फिर साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है या फिर भाषा ही सीखी जा सकती है, क्या होता है? तो भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सिर्फ हमें भाषा के नियम नहीं बताते, साहित्यिक विधाओं को नहीं बताते, भाषा ही नहीं बताते, बट हम लोग हमें क्या बताते हैं, भाषा और सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तु के लिए के स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि फरवरी 2015 का सवाल है, मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यंत बल देना चाहिए, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए या फिर व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? तो हमें क्या करना चाहिए, विविध भाषाओं के लिए भी हमें स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस का भी हमें आपको स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, सीटेट फरवरी 2015 का सवाल है कि बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक क्या है, विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री या फिर एक से अधिक बार भाषाई आकलन, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक। तो लास्ट के दो तो बिल्कुल ही नहीं है, विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं ये भी नहीं है, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जो है सीटेट फरवरी 2016 का, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग या फिर बच्चों के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से स्वाभाविक भाषिक प्रक्रियाओं को समान रूप से संपादित करवाना या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका, तो ये 4 वाला करेक्ट होना चाहिए कि उचित प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, 34 है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, सितंबर 2016 का सवाल है कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए या फिर स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। तो ये कैसे होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु को विस्तार करने वाले होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 सितंबर 2016 का सवाल है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं या फिर पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं या फिर पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पाठ के मूल भाव है उस पर बातचीत करनी चाहिए शिक्षक को। 36 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, सितंबर 2016 का सवाल है, पाठों की संख्या सीमित होना, विधागत विविधता होना, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश या फिर प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, क्या होना चाहिए? तो ये विधागत विविधता होना चाहिए। तो ये थे पिछले 5 साल के सवाल जो थे क्वेश्चन टॉपिक हिंदी पेडागॉजी के शिक्षण सहायक सामग्री से, टीचिंग एड्स इस टॉपिक से थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप कोई भी ऐसे काम की वीडियोस को मिस ना करें। एट लास्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।